हेलो दोस्तों, आज कल हम बात करने वाले हैं वीवो T3 डिवाइस के अंदर आप लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसे होता है हमारे पास कोई मैसेज आता है तो हमारे फ़ोन के अंदर कोई नोटिफिकेशन या लाइट नहीं जलता है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लाइट यूज कर सकते हैं। अपने फ़ोन में हमारे पास कोई मैसेज आएगा तो हमारे डिस्प्ले के चारों तरफ एक लाइन लाइट जलेगा और उससे एक नोटिफिकेशन हमको मिल जाएगा कि हमारे पास मैसेज आया, और जो हमारा डिस्प्ले देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप अपने डिस्प्ले के चारों तरफ नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगाएंगे यही चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। दोस्तों चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग करना है। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायनेमिक इफेक्ट। आपको इस पर क्लिक करना है योलो ऑप्शन पे, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। नीचे आपको मिलता है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है योलो ऑप्शन पे, और जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, तो आपको इस पर क्लिक करना है योलो ऑप्शन पे, और इसको जैसे आप इनेबल करेंगे नीचे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन, और उसके आगे में छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन और शो होते हैं, सबसे नीचे वाले को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे, और जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइट इफेक्ट है उसको यहाँ पे सेटिंग करने को आ जाता है। तो आपको अपने नोटिफिकेशन पे कौन सा लाइट लगाना है, कौन से कलर का लगाना है, ये चीज़ यहाँ पे आपको मैनेज करना है। यहाँ पे आपको पहले इफेक्ट चॉइस करना है, कौन से इफेक्ट को आपको यूज करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह के आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे हम किसी एक इफेक्ट को क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे हम चॉइस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर हैं, आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिलता है, तो आपको कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कलर बना के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने उंगल को इस तरह से घुमाएंगे, किसी भी कलर को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद उसी कलर में अपने स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे ये कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसको अप्लाई कर देना है। जैसे हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये हमारे फ़ोन में सेट हो जाता है, और यहाँ से आपको बैक होना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन ऐप्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको चॉइस करना है कौन से एप्लीकेशन में आपको जो लाइट इफेक्ट है उसको यूज करना है। अगर आपको सभी एप्लीकेशन के मैसेज पे यूज करना है तो आपको ऊपर में मिलता है ऑल ऐप्स, आप इसको इनेबल करेंगे सारे बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। आपके पास किसी भी एप्लीकेशन का कोई भी मैसेज आएगा सभी एप्लीकेशन के साथ जो आपका लाइट इफेक्ट है वो काम करेगा। अगर आप चाहते हैं किसी फेवरेट एप्लीकेशन में यूज करना तो आपको इसको ऑफ कर देना है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इस तरह के जो फेवरेट एप्लीकेशन है सिर्फ आप उसमें अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अपने एप्लीकेशन को चॉइस करना होगा कौन से एप्लीकेशन में आपको यूज करना है, ये चीज़ यहाँ पे आपको चॉइस करना होगा। जैसे हम उन्हें व्हाट्सअप पे यूज करना चाहते हैं, यूट्यूब में यूज करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको इनेबल करेंगे, जो आप अपने एप्लीकेशन को चॉइस करेंगे उसी एप्लीकेशन में ये काम करेगा। यहाँ से हम एक दो और एप्लीकेशन में इसको इनेबल कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं। इस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन को चॉइस करके उस बटन को यहाँ पे इनेबल करना होगा, और यहाँ पे जिस बटन को आप इनेबल कर देंगे उस एप्लीकेशन में ये सिस्टम काम करेगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आज को आप किस तरह से आप अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।